प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार है। भाविन पटेल जी की कुंडली के साथ विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। आइए देखते हैं क्या बनता है इनका पंचांग और कैसे इनके जीवन को करता है प्रभावित। एक बात बताऊँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, कभी भी अपनी जन्म कुंडली दिखाएं तो उसमें पंचांग की महत्ता को अवश्य ही समझ लीजिए। बिना पंचांग के सिर्फ लग्न कुंडली का जिसने भी आज तक विश्लेषण किया है वो कुछ ना कुछ छोड़ा है, क्योंकि आपके जीवन में जो छोटे लेवल पे जो भी चीज़ें बदलाव के तौर पे आपके जीवन में देखी जाती हैं या निरंतर जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पंचांग की भूमिका महत्वपूर्ण और उसका ही प्रभाव है कि आपके ऊपर से वो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कुंडली के विश्लेषण के लिए। भाविन पटेल जी की कुंडली के पंचांग के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि देख लेते हैं। विक्रम संवत 2031, शक संवत 1896, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम विभव संवत्सर है। विभव संवत्सर में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज वो त्यागी होते हैं। उनके अंदर त्याग की भावना मजबूती से उपस्थित होती है। अगर आपका भी जन्म 1975 में हुआ है तो निश्चित रूप से आपका जन्म विभव संवत्सर के अंतर्गत हुआ है, और फिर आप खुद के ऊपर से भी इस प्रभावों को घटते या घटाते आसानी से देख सकते हैं। अगले ही पल इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है। उत्तरायण में जन्मे होने का प्रभाव, व्यक्ति आत्मविश्वास का भरा होता है, धन कमाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, पद का भूखा होता है, प्रतिष्ठा का भूखा होता है, कर्तव्य परायणता के साथ व्यक्ति अपना काम करना चाहता है। कर्तव्य परायणता का मतलब होता है अपने कर्म में लीन रहने वाला और पॉजिटिव रहने वाला। आगे ही बढ़ने पे पता चलता है माघ मास वसंत ऋतु, मध्यम कद का होगा, चमकीली आंखें और नित्य निरंतर भगवान के श्रद्धा में और माता पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास करता है। वसंत ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति प्रेमी है, दरअसल प्रेम कूट कूट करके भरा है और स्त्री को भी प्रेम स्त्री के सदृश करता है। किसी के साथ भी अगर प्रेम करने की बात होगी तो व्यक्ति स्त्री से युक्त होता है, मतलब उसके अंदर प्रेम करने की जो कला होती है वो जबरदस्त होती है। माघ मास वसंत ऋतु, कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि, दिन बुधवार। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने का भी प्रभाव, व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा रहेगा, संतान सुख की प्राप्ति होती है। अलग बात है कि व्यक्ति थोड़ा थोड़ा मुंहफट होता है और कभी कभी चोर प्रकृति को धारण करने वाला होता है। दूसरों के संपत्ति से व्यक्ति कई बार मेहनत नहीं करना चाहता है और उसे ठगना नहीं चाहता है, लेकिन जब लाभ दिख जाता है तो नियत बदल जाती है। और बुधवार के जन्म होने के कारण व्यक्ति वणिक है, स्वभावतः वो वैश्य स्वभाव का है, व्यापारी है, धन कमाना चाहता है, धन के लिए आगे बढ़ना चाहता है और किसी भी हद तक जाने का प्रयास करता है। दरअसल उसके जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य संपूर्णता से और हर तरीके से जीवन के सर्वाधिक और सांसारिक सुखों का भोक्ता बनना होता है। कृष्ण पक्ष नौमी तिथि, यहाँ पे चंद्रमा आपकी कुंडली में पापक बनेंगे तो मन को परेशान करेंगे, धन कमाने के लिए विदेश जाना पड़ता है और ये रहते भी हैं, अभी दुबई में रहते हैं। तो ये स्थितियां बन रही, कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि, दिन बुधवार का प्रभाव, व्यक्ति धार्मिक होगा, अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाला होगा, धर्मांध भी कई बार होते देखा जाता है। बुधवार के बाद आगे बढ़ने पर पता चलता है व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। मूल नक्षत्र में जन्म होने का प्रभाव होता है व्यक्ति श्रेष्ठ तो होता है, अगर जीत गया जंग जीवन का आरंभ में तो फिर इसे हराना मुश्किल होता है जीवन में। अगर जीत गया जंग जीवन का आरंभ में तो फिर हराना मुश्किल हो जाता है इसको जीवन में। कभी भी जबरदस्त होते हैं ऐसे लोग, दिव्य होते हैं, मजबूत शरीर को धारण करने वाले होते हैं, हटे कटे होते हैं। श्रेष्ठ शरीर को धारण करने के साथ साथ परिस्थितियों को कैसे निपटारा करना है, परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मूल नक्षत्र दरअसल सबसे ऐसे नक्षत्रों में इसे गिना जाता है जिसमें जन्मा व्यक्ति दो नक्षत्रों के प्रभाव से आता है। दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है इस वजह से यहाँ पे, अब इसका प्रभाव क्या होगा वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन ये ठीक होता है। सिद्धि योग में जन्म हुआ है, गर करण क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के हैं। सिद्धि योग में जन्म होने का प्रभाव ये होगा कि व्यक्ति जो भी काम अपने हाथ में लेना चाहता है उसे पूरा अच्छे तरीके से और पूरी तन्मयता से करना चाहता है। गर करण ये अच्छी बात है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण दाम्पत्य कभी कभी असंतुष्ट करता है और दाम्पत्य को लेकर के कभी कभी तकलीफें होती हैं। व्यक्ति
पति से या पत्नी से थोड़ा सा असंतुष्ट रहता है, या कई बार व्यक्ति को धन कमाने के लिए जहां दूर देश की यात्रा करनी पड़ती है और वहीं पे जीवन में रिस्क भी लेना पड़ता है। क्रोध की भावना अधिक होती है। व्यक्ति को एक उम्र में आने के बाद क्रोध पे संयमन आसानी से हो जाता है और करते भी देखा जाता है, लेकिन आरंभ में क्रोध की अधिकता होती है। व्यक्ति अपने बल पे और अपने भरोसे पे टिक करके आगे बढ़ना चाहता है। ये इनका पंचांग था। अब आइए इनके नक्षत्रों के प्रभाव, इनके ऊपर नक्षत्र का प्रभाव कैसा है ये बता देता हूँ। मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि आपका जब जन्म हो रहा था तब चंद्रमा जो थे वो मूल नक्षत्र से संचरण कर रहे थे। मूल नक्षत्र होता है मूलतः केतु का नक्षत्र, और केतु होता है भ्रम। दरअसल मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे होने का प्रभाव, व्यक्ति श्रेष्ठ है, मतिमान है, बुद्धिमान तो होगा लेकिन थोड़ा कंफ्यूज रहता है। और अगर चंद्रमा की स्थिति खास करके अगर कमजोर रही और सूर्य की स्थिति कमजोर रही, जैसे कि इनकी कुंडली में नहीं है, शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा होते तो पापक हैं, लेकिन सूर्य जो है इनकी कुंडली में उत्तरायण का है। इस आधार पर ये चीज़ें थोड़ी सी मजबूती को दिखा रही हैं। परंतु मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म होने के कारण व्यक्ति आरंभ में तकलीफें झेलता है, स्वास्थ्य से हो या परिस्थितियों से हो, आरंभ में तकलीफें जीवन में मिलने आ जाती हैं आसानी से। और उसके बाद मध्यम कद का होगा, मतिमान होता है, धैर्य से युक्त जीवन जीना चाहता है, आसान जीवन जीना चाहता है, लेकिन काम भी आगे बढ़ करके करना चाहता है, पद का भूखा होता है, दान देने में आगे रहता है, और कई प्रकार की पौराणिक विद्याएं जैसे ज्योतिष, आयुर्वेद और कई प्रकार की ऐसी विद्याओं में उसकी रुचि रहती है सीखने की। और कई प्रकार से व्यक्ति को कई बार जीवन में प्रायः कंफ्यूज भी होते देखा गया है, ये करूं कि ये करूं कि यही कर लूं, क्योंकि चंद्रमा जो ठहरे पापक हुए और ऐसी स्थिति में कि मूल नक्षत्र में जन्मा है तो बब्बर शेर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जा करके किसी न किसी व्यक्ति की और किसी न किसी पथ प्रदर्शन कोई जो करने वाला हो उसकी आवश्यकता महसूस होती है। मूल नक्षत्र में जन्मे लोग श्रेष्ठ तो होते हैं अपने धन को कमाने के लिए, और धन को अपने अनुरूप चलाने का बहुत इन्हें एक भावना होती है। और साथ ही साथ एक बात बता दूं, व्यक्ति सांसारिक सुखों का भोक्ता होता है, समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों का प्रलोभन इसे मिलता है और वो उसे भोक्ता भी है। दरअसल उसके पीछे भागना चाहता है, वो प्रलोभित करती है चीज़ें, उसे एक्वायर करना चाहता है मूल नक्षत्र। अब आइए इनकी कुंडली में ग्रहों के बैठे स्थितियों के बारे में बता देता हूँ। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूँ। सूर्य जो कि महत्वाकांक्षा का कारक ग्रह होता है, दशम स्थान में उसे दिग्बलत्व की प्राप्ति होती है, लग्न में कारक होते हैं, नवम में कारक होते हैं, धार्मिक तत्व के ग्रह होते हैं, व्यक्ति के मार्ग को गलत से सही पे लाने वाले ग्रह होते हैं। सूर्य इनकी कुंडली में बनते हैं, ये मकर लग्न की कुंडली बनती है, और यहाँ पे वो बनते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति, यानी कि आठवां भाव, जहाँ पे मूलतः आठ नंबर की राशि काल पुरुष की कुंडली में बनती है। मतलब यहाँ मूलतः आठ लिखा होना चाहिए, जो कि लिखा है पाँच। ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति हुए शनि और अष्टम के अधिपति हुए सूर्य। यहाँ सूर्य को यहाँ बैठना था और श्रीमान जा करके बैठे हैं अपने भाव से सातवें भाव में शनि की राशि में, और शनि की राशि में बैठे तो इनको अब ये देख लीजिए कि जो ग्रह अगर किसी दूसरे ग्रह की राशि में बैठा है तो वो उसका मित्र है या है उसका शत्रु। तो अगर शनि की राशि में बैठते हैं सूर्य तो शनि तो सूर्य के वैसे भी शत्रु होते हैं। तो एक पंचधा मैत्री होती है, उस पर मैंने कार्यक्रम बना रखा है, आप पंचधा मैत्री वाले कार्यक्रम में जाकर के देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसे ग्रहों की मित्रता और शत्रुता तैयार की जाती है। तो तात्कालिक मित्रता में ये सूर्य जो कि शनि की राशि में बैठे हैं, वो शनि से देखिए तीन घर पीछे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, एक दो तीन, तीन घर के बाद हैं, इस वजह से सूर्य यहाँ पे अति शत्रु की राशि में बैठेंगे। डिग्री 21° 23' पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, यानी कि वो अपने मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन नक्षत्र किसका है ध्यान से समझिएगा, यह नक्षत्र है 12वें भाव के अधिपति का और त्रिक भाव के अधिपति, ये दोनों भाव दुह स्थान कहे जाते हैं, और दुह स्थान में अगर कोई भी ग्रह बैठा हो या उस स्वामी के नक्षत्र को अगर किसी भी ग्रह ने पकड़ा है तो थोड़ा सा उसको प्रभाव निगेटिव मिल जाता है। गुरु हालांकि सूर्य के मित्र होते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसे नक्षत्र को पकड़ा है जिसका अधिपति 12वें भाव का अधिपति है, और गुरु तो सूर्य यहाँ पे 21° के हैं, ये वृद्ध होंगे यहाँ पे, और अति शत्रु के हैं, मतलब ग्रह थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन कारक होते हैं सूर्य इस लग्न की कुंडली में अष्टमे सोने के बाद भी। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। बात जब चंद्रमा की करेंगे तो चंद्रमा
मन के कारक होते हैं, माता के स्वास्थ्य, मातृभूमि के कारक होते हैं, भावना और संवेदना के कारक होते हैं। अगर ये कमजोर रहे ना तो मन को परेशान कर देते हैं और व्यक्ति को दरअसल हर बार रुलाते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना करनी हो जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो निश्चित रूप से उसको समझ लीजिएगा कि उसका निर्णय परेशान है और दरअसल वो हर बार निर्णय लेने में उसको परेशानी होती है। उसको उसके मति बुद्धि में उसके चंचलता को ध्यान से आसानी से देखा जा सकता है कि उसका मन कितना अपवित्र और मन कितना परेशान है। चंद्रमा है मन और वो होता है बेपिंदी का लोटा। दरअसल उसको किसी न किसी पोजिशन में रखना ही होता है। आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा बनते हैं कहाँ के अधिपति, देखिए सप्तम भाव के अधिपति, ये होता है दाम्पत्य भाव, पत्नी के भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा और अपने भाव से सड़ासक में है, छः घर आगे ये कमज़ोर होता है और इसी वजह से आपको जन्मस्थान से दूर जाना पड़ा है, घर से दूर जाना पड़ा है कमाने के लिए धन। तो सप्तम भाव के अधिपति हुए, बारह में बैठे, मन का नुकसान हुआ, गुरु की राशि में बैठे हैं और चंद्रमा और गुरु मित्र होते हैं और गुरु की राशि में बैठे हैं और चंद्रमा देखिए एक दो तीन, तीन ही घर के अंतर पे गुरु हैं, यानी कि वो अति मित्र के हो गए और डिग्री देखिए तीन अंश के हैं, ये ठीक है लेकिन थोड़े से तो परेशान होंगे क्योंकि आरंभ में ही हैं, अभी भाव का आरंभ ही हो रहा है और चंद्रमा वैसे भी आपकी कुंडली में उधर कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के थे तो पापक बन रहे थे, मतलब मन थोड़ा परेशान है। अब मंगल की बात करता हूँ। पराक्रम और व्यक्ति की कुंडली में अगर ओजस्विता, तेजस्विता और फुर्तीलेपन का अगर कहीं पे भी आभास कमज़ोर होता हो तो समझ लीजिएगा कि कुंडली में मंगल कमज़ोर है। और एक बात बताऊं, मंगल अगर तीव्र होता है ना तो व्यक्ति को बेहतरीन बना देता है काम करने में। व्यक्ति ओजस्विता के साथ छरहरे बदन का होता है और बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है काम करने में, आगे बढ़ करके पराक्रम करता है, मेहनत करता है, रिस्क लेता है, आगे बढ़ना चाहता है। दरअसल वो हर बार अपने पराक्रम और वीरता का हर जीवन के हर परिस्थिति में परिचय दे बैठता है। और एक बात बताऊं तो थोड़ा चोर प्रकृति का भी होता है, थोड़ा घमंडी भी होता है, ईगो भी रखता है। दरअसल उसके पास वो सारी चीज़ें जो हो जाती हैं आज के इस कलयुग में पराक्रम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और जो कि लोगों के पास नहीं है। मंगल की स्थिति इनकी कुंडली में उच्च के हैं, वो लग्न में मंगल उच्च का मतलब बेहतरीन, और क्यों, क्योंकि वो चतुर्थ भाव के अधिपति भी होते हैं और दशम भाव में उच्च के, सुख का अधिपति उच्च का हुआ तो ये बेहतरीन होगा। और मंगल आठ अंश 31 कला, उत्तराखाड़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, अपने मित्र के नक्षत्र को पकड़े हैं और मित्र कहाँ के, अष्टमेश, लेकिन कारक होते हैं। तो मंगल ने मित्र का नक्षत्र पकड़ा और ये अवस्था अगर देखिए तो ये सम संख्या की राशि है, यहाँ पे वो कमज़ोर होंगे, वृद्ध होंगे डिग्री के आधार पर। सूर्य के नक्षत्र, अष्टमेश का नक्षत्र और अपने मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं, परंतु फिर भी अगर वो लग्न में उच्च के हो रहे हों और वृद्ध भी होते हों तो काम अच्छा ही करेंगे। अब अगले बुध की बात कर लेता हूँ, बात अब बुध की कर लेता हूँ। आपकी कुंडली के लिए बुध, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लिए बुध मजबूत होंगे तो वो क्या होगा, व्यक्ति को निर्णय लेने में कभी परेशानी नहीं होने देते और व्यक्ति का जीवन हमेशा कैलकुलेशन पे टिका रहता है। व्यक्ति अपने लाभ और अपनी हानि को लेकर के सचेत होता है और लग्न में तो बुध वैसे भी बेहतरीन हो जाते हैं। आपकी कुंडली के लिए बुध लग्न में ही बैठे हैं और वो बनते कहाँ के अधिपति हैं, देखिए एक तो भाग्य के और दूसरी उनकी राशि जन्म कुंडली के छठे भाव में बनती है। रोगेश और भाग्य भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, थोड़ा ऋणी बनाते हैं, इसका प्रभाव क्या होगा वो आगे बताऊंगा। लेकिन 25 अंश 58 कला, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है और मंगल उसी के साथ बैठे हैं लग्न में उच्च के होकर के, मतलब लग्नेश शनि जो कि बुध का मित्र हुआ और बुध लग्न में बैठे, कारकत्व की प्राप्ति, 25 अंश 58 कला, ये हैं थोड़े कमजोर कुमार अवस्था के हैं। और उसके बाद ये बुध लग्न में बैठेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। अब आगे इसका प्रभाव देखेंगे, आइए चलते हैं गुरु के पास। देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को सांसारिक भोक्ता से ज्यादा आध्यात्मिक भोक्ता बनाते हैं। व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के कारक, सुखों के कारक, विद्या के कारक और श्रेष्ठ मति बुद्धि को देने वाले होते हैं। आपकी कुंडली के लिए गुरु बनते हैं पराक्रम भाव के अधिपति, उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के बारहवें भाव में बनती है। इन दोनों भावों को अगर देखते हैं तो मूलतः ये दुह स्थान कहे जाते हैं, तीसरा भाव भी त्रिक भाव, ये भी त्रिक भाव, और उस आधार पर आपकी कुंडली में गुरु कारक तो नहीं होंगे लेकिन स्वराशि के बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो कि शनि का नक्षत्र होता है और शनि इस कुंडली के लग्नेश है, मतलब अगर गुरु यहां कमजोर भी होंगे तो कैसा फल करेंगे ये देखना होगा, अंत तक कैसा फल करेंगे वो बताऊंगा। लेकिन गुरु यहां तीन अंश 24 कला स्वराशि के तो बैठे हैं लेकिन मृतप्राय हैं, क्यों, क्योंकि वो दरअसल सम संख्या की राशि है और सम संख्या की राशि में इस अंश पे जाकर के ये ग्रह
मृतप्राय हो जाते। आइए अब शुक्र की बात कर लेता हूँ। सांसारिक सुखों के भोक्ता बनाते हैं शुक्र, आध्यात्मिक सुखों के भोक्ता बनाते हैं गुरु। और शुक्र अगर जन्म कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति का टेस्ट बड़ा अजब होता है, और व्यक्ति जो भी अगर पसंद करके घर पे लाएगा सब उसकी बाह-बाही ही करते हैं। उसका पसंद, उसके जीवन को जीने की कला, जीवन को देखने का नज़रिया थोड़ा सा भौतिकवादी और चार्वाक मत पे आधारित होता है। शुक्र की बात अगर करूंगा तो इनकी कुंडली में देखिए ये बनते हैं उच्च के अधिपति, उच्च में ही बैठे हैं गुरु के साथ, और शुक्र मीन में उच्च के होते हैं। और उनकी राशि दरअसल कहाँ बन रही है, जन्म कुंडली में दशम भाव में, और दूसरी राशि जन्म कुंडली के पंचम भाव में। यहाँ पे ये सर्वोत्तम कारक होते हैं, पंचम और केंद्र, इन दोनों भावों के अधिपति हुए, उच्च के हुए। और रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र 19 अंश पे है, ये ठीक है और बहुत बेहतरीन है। अब शनि की बात कर लेता हूँ। शनि इनकी कुंडली में सम राशि के वृद्ध होकर के बैठे हैं। अगर ग्रह कुमार रहा तो थोड़ा अच्छा, अगर बाल अवस्था का रहा तो थोड़ा कम, और अगर वृद्ध रहा तो उससे कम, और अगर मृतप्राय रहा तो बहुत कम या निम्न या बिल्कुल कमजोर इस तरीके का। अगर युवा है तो बेहतरीन और सबसे सर्वोच्च फलों को देने वाला, मतलब उसके फल देने की जो तीव्रता है वो ठीक है। अगर कुमार हुआ तो युवा से कम, उसको अभी अनुभव नहीं मिला है अपने जीवन का और अपने प्रभावों को दिखाने और देखने का। अगर वो बाल अवस्था का है तो अभी वो सीख रहा है दरअसल, और अगर कुमार अवस्था का है मतलब वो किशोर अवस्था में अभी तड़फड़ाया हुआ है, बेचैन है वो। तो ये ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं। शनि की बात मैंने करी, शनि इनकी कुंडली में बैठे हैं कहाँ, जन्म कुंडली के छठे भाव में बनते हैं। वो लग्न के अधिपति होकर के छठे में बैठे, द्वितीय भाव के अधिपति होकर के छठे में बैठे हैं, और अवस्थागत वो 18 अंश के हैं। ये ठीक होगा क्योंकि ये विषम संख्या की राशि है और शनि त्रिक भाव में बैठे हैं, लग्न के अधिपति होकर के अभियोग तो लगा रहे हैं। अब इसका फल क्या होगा वो तो बाद में बताऊंगा। अब राहु केतु की चर्चा कर लेता हूं। राहु और केतु दरअसल व्यक्ति को हमेशा कंफ्यूज करने का काम करते हैं, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर उनकी स्थिति अच्छी रही और वो पापक ग्रह होकर के अगर नीच राशि में बैठे हों और वृद्ध हों इनकी कुंडली में, तो क्या फर्क पड़ता है इसका प्रभाव आगे जानेंगे। मतलब राहु और केतु नीच के हैं और वृद्ध हैं। अब आपको इनकी जन्म कुंडली में कारक, अकारक और तटस्थ की चर्चा कर लेता हूं। ये कुंडली मकर लग्न की है, और मकर लग्न की कुंडली मूलतः अगर देखते हैं तो कहां इसको बनना था, इसको बनना था यहां। अगर काल पुरुष की कुंडली की बात करेंगे तो एक नंबर यहां लिखेगा और 10 नंबर यहां लिखेगा, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में जो यहां 10 नंबर लिखा है वो प्रभाव करेगा यहां का भी, क्योंकि वास्तव में वो यहां बनता है। बनना तो उसको यहां था लेकिन वो बन गया लग्न में। मतलब व्यक्ति के जीवन में कर्म की प्रधानता होगी, व्यक्ति कर्म करने वाला होगा, पंक्चुअल होता है, धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। राहु और केतु इन्हें कपटी बनाने वाले हैं, नीच के हैं तो, और ऊपर से वो 12वें हैं। राहु केतु की चर्चा पहले कर देता हूं, इसके बाद कारक की आऊंगा। राहु यहां अनुराधा के हैं शनि के, और वो हैं बैठे दरअसल वृश्चिक के होकर के, ये नीच राशि है उनकी। और पापक ग्रह अगर नीच का हो तो अपनी दशाओं में फल अच्छा करता है और उससे डरने की संभावना थोड़ी कम होती है। अभी आपके जीवन में राहु की दशा आने वाली है, घबराइएगा मत। और केतु यहाँ पंचम भाव में, ये दरअसल पत्नी से थोड़ा सा असमंजस, पत्नी से दूरी, दाम्पत्य को लेकर के असावधान, दाम्पत्य को लेकर के बेहतरीन स्थितियाँ तो होती हैं लेकिन कभी कभी दाम्पत्य में असंतुष्टि का भाव भी दिखता है। प्रेम की कमजोरी, प्रेम में दूरी और प्रेम में विलंब, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो पति के, या व्यक्ति जो होता है वो पत्नी के मन मुताबिक नहीं होता है, या कई बार संबंधों में कड़वाहट भी देखने को मिलती है। क्लियर है? अब कारक की बात कर लेता हूँ। मकर लग्न की कुंडली, मकर लग्न की कुंडली में सर्वाधिक कारक होंगे शुक्र, क्योंकि वो एक त्रिकोण के और एक केंद्र के मालिक होते हैं। क्लियर है? और ये लग्नेश के मित्र भी हैं। दूसरा शनि खुद, क्योंकि वो लग्न और धन के अधिपति, ये दोनों भाव वो खुद संभालते हैं। ये तो बात रही शुक्र और शनि की। अब शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं, मैं जानता कि सूर्य को अष्टम इसका दोष नहीं लगता है। यहाँ पे वो कारक होंगे, चंद्रमा भी कारक होंगे, मंगल अकारक होंगे, क्योंकि दरअसल उनकी वो एक राशि चतुर्थ की मिलती है लेकिन एक पापी भाव मिल जाता है, इस वजह से वो अकारक होंगे, क्योंकि लग्नेश के वो परम शत्रु होते हैं।
बुध भी अकारक होंगे। कारण, क्योंकि जन्म कुंडली में वो बनते हैं कहाँ के अधिपति, एक तो कन्या राशि त्रिकोण में बन रही है और दूसरी राशि देखिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये फल कैसा करेंगे ये जानने लायक होगा। तो बुध भी अकारक, मंगल बुध अकारक और गुरु इनकी कुंडली में बनते हैं त्रिक भाव के अधिपति और बारहवें भाव के अधिपति। इन दोनों भावों के अधिपति हो करके गुरु अपनी राशि के बैठे, ये भी अकारक ही होते हैं। शुक्र कारक होंगे, शनि कारक होंगे, राहु और केतु नीच के हैं, उनकी स्थिति अलग है। समझ में आई बात? कारक अकारक और तटस्थ पे आगे आने वाले दिनों में भी मैं कार्यक्रम बनाऊंगा, आप लोग बिल्कुल ना घबराइएगा, बस बन के रहिए और आने वाले दिनों का इंतजार करिए, बड़ा अजीब होने वाला है यहाँ। अब आइए आपको मूल नक्षत्र में बैठे और मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों के ऊपर से कैसा प्रभाव बीतता है उस नक्षत्र का ये बता देता हूँ। मूलतः मूल नक्षत्र में जन्मे लोग श्रेष्ठ होते हैं, कार्मिक होते हैं, उपकारी होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, धर्मज्ञ होते हैं, धर्मांध होते हैं, धन कमाने के लिए कितनी दूर भी यात्रा करनी पड़े वो कर लेते हैं, उपकार करने के लिए इन्हें कई बार सोचना नहीं पड़ता है, दान देने में ये आगे होते हैं, खर्चीले भी होते हैं, व्यय बहुत ज़्यादा करते हैं और सांसारिक सुखों के पीछे इन्हें भागना अच्छा लगता है। वणिक स्वभाव के होते हैं, हर चीज़ में अपने लाभ और सिर्फ अपने लाभ को देखते हैं। दरअसल इनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही अपने समाज, अपने देश और अपने लोगों का नाम ऊंचा करना होता है। और एक बात बताऊं तो सबसे जो अच्छी बात है कि ये अपने जीवन में मूलतः वर्तमान में ही जीते हैं। एक बात बहुत गंभीरता से समझिएगा, नाम है आपका क्या नाम है? साबिन, भाविन पटेल जी। अभी जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, अभी जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और इस वजह से कि अभी आप मूलतः मानव ही बने हुए हैं, इसे आगे बढ़ा करके अपने अंदर राक्षसी गुणों का त्याग करके और इंसान वाली प्रवृत्ति को हटा करके दैवत्व का गुण विकसित करना बाकी है और दरअसल संतोष से ही शांति की प्राप्ति होगी। कारण, क्योंकि लग्न में ही बुध बैठे हैं और गुरु स्वराशि के भाग्य भाव को देख रहे हैं। इस बात को समझिए, ग्रह इशारा क्या कर रहा है। मूलतः आप लोग ये तो चाहते हैं कि कुंडली विश्लेषण कर दी जाए, लेकिन ग्रह बैठ करके इशारा क्या कर रहा है ये कौन समझेगा। इंसानी प्रवृत्ति से भरे हैं आप, मंगल उच्च का है और वो भी लग्न में, और एक बात बताऊं तो चतुर्थ का मंगल अच्छा नहीं माना जाता है, ये कमजोर करता है व्यक्ति को, अपने जन्म स्थान से दूर रखता है, माता के साथ घनिष्ठता को कमजोर करता है, मातृभूमि से दूर ले जा करके व्यक्ति के जेहन में ही कर्म को स्थापित करता है। समझिएगा, आज कुंडली अलग तरीके से अगर दिखाऊं तो समझिए, तो लग्न में मंगल बैठे और वो भी उच्च के, और ये कहाँ के अधिपति होते हैं? यहाँ के, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में जन्म स्थान से दूर जाकर के बसने का दिमाग में हमेशा रहा। और वो क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही कर्म की प्रधानता रही, क्योंकि मूलतः यह काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर लिखा होता है और यहाँ का अधिपति लग्न में जा रहा है और वो भी सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त कर रहा है। और लग्न में बुध तो वैसे भी व्यक्ति को व्यावसायिक सोच का बना ही देते हैं, ये बात बनती है। चंद्रमा पाप ग्रह हो जाते हैं, सुख ऋण का अधिपति जहां पे छठा भाव है, यहां का अधिपति बुध आपकी कुंडली में लग्न में बैठा है। लेकिन एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में गुरु और बुध जितने ही कमजोर होंगे ना, इतनी ही ज्यादा इनको और इनकी दशाओं में लाभ मिलने वाला है। दशाएं तीन ग्रहों की कमजोरी से जाने वाली हैं और स्मूथ जाएंगी, दरअसल वो थोड़ी कमजोरी से जाएंगी, बुध की, चंद्रमा की और शुक्र की, बाकी के जितने भी ग्रह हैं उन सबकी दशाएं आपकी कुंडली के लिए अच्छी जाने वाली हैं। गुरु भी अच्छे देंगे क्योंकि वो भाग्य भाव को देख रहे हैं। गुरु के बाद बुध भी कमजोर नहीं होगा, ये भी अपनी दशा में अच्छा ही फल करेगा, अंतर दशा में, प्रत्यंतर में अच्छे परिणामों को देने वाला होगा। बुध लग्न में बैठे हैं, ये व्यक्ति के महाभाग्यशाली योग के निर्माता हो रहे हैं क्योंकि उच्च के मंगल के साथ ये ग्रह बैठा है। अब एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में ऋण भाव का अधिपति ही लग्न में बैठा है, व्यक्ति को जीवन पर्यंत ऋण में रखने का काम करता है। एक बात बताता हूं तो मंगल के साथ बैठा है ऋणेश, ऋण दीजिएगा मत, अटक जाएगा, फंस जाएगा, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल भी नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ही ऋण देने से पहले स्टैम्प पेपर पर किसी से भी सिग्नेचर करा लेना भाई कि नहीं, नहीं देना है मुझे, क्योंकि चंद्रमा है पापक और मंगल की चौथी दृष्टि जन्म कुंडली में, यहाँ पर ठगी प्रथा का भी चलन है आपकी कुंडली में। सातवीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं वो नीच की दृष्टि से देख रहे हैं और दाम्पत्य में तो वैसे भी कमजोरी मैंने कह रखी है कि कोई तू बैठा है तो करेगा, और आय और व्यय के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि ये दाम्पत्य के साथ साथ ये समाज का भी भाव होता है,
यहां से डेली बेसिस के इनकम, ये विदेश में जाकर के कितनी अजीब कुंडली है। व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाया, घर से दूर रखा, दुबई भेजा, पैसे कमाने के लिए बाहर विदेश जाना पड़ा। अद्भुत संयोग। जो कुंडली को ना माने उसे दिखा दीजिए, ये मान जाएगा। और उसके बाद राहु यहां बैठे हैं, ये जीवन में कई प्रकार से व्यक्ति को प्रलोभन देते हैं धन कमाने के लिए। यहां से भी कमा लो, दो पैसे यहां से भी आ जाएंगे, इधर से भी कमा लो। शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि में भी व्यक्ति का मन ललच ही जाता है, लालचा ही जाती है, वो तो सामान्य सी बात है। राहु जो है वो करना चाहता है। और एक बात बताऊं, आप हैं मंगल से प्रभावित, क्योंकि उच्च का है वो, और उच्च का मंगल तो वैसे भी व्यक्ति को चोर प्रकृति का बना ही देता है। अगर ये भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो उच्च का है और वो कुछ भी करा सकता है। गुरु कमजोर है ना, गुरु स्वभावतः तो कमजोर है, दशाएं उनकी अच्छी जाएंगी, लेकिन फिर भी वो मूलतः कमजोर है। हाँ, इनका लाभ ये होगा, ये स्वराशि के हैं, उच्च के शुक्र के साथ हैं, पराक्रमी बनाएंगे, पराक्रम का लाभ देंगे, क्योंकि मूलतः यहाँ का अधिपति, जो पराक्रम के बाद किए गए फल का भाव होता है, आप जीवन भर मेहनत करते रहे और उसका फल ना मिला, मतलब जरूर कहीं ना कहीं से पंचम भाव कमजोर हुआ और जरूर कहीं ना कहीं से चंद्रमा कमजोर है। ये बात सबकी कुंडलियों पे लागू होती है। अगर पंचम भाव कमजोर रहा तो व्यक्ति को अपने पूर्वजों का और व्यक्ति को अपने प्रारब्ध का 100% इस्तेमाल ना तो करने आता है और ना वो कर पाता है। पंचम भाव का अधिपति देखिए उच्च का बैठा है, और किसके नक्षत्र में? बुध के नक्षत्र में। और ये बुध होता है क्या? जन्म कुंडली में भाग्य का अधिपति। व्यक्ति के कर्म करने के बाद जो फल होगा उसको भाग्य का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं संबंध में है। तृतीय एकादश में दोनों एक दूसरे से, गुरु और चंद्रमा का संबंध एक दूसरे से केंद्र में आना, ये गज के श्री योग का निर्माण करेगा। और ऊपर से अगर चंद्रमा को देख रहे हैं तो मंगल को देखिए तो एकदम बिल्कुल आगे ही है। मंगल व्यक्ति को धनाढ्य बनाते हैं, संपूर्ण सुखों का भोक्ता बनाते हैं। सूर्य आज अलग तरीके से हो रहा है विश्लेषण, तो ध्यान दीजिएगा। सूर्य इनकी कुंडली में जाकर के बैठे कहाँ? जन्म कुंडली में धन भाव में। अब ये सूर्य यहाँ अति शत्रु के हुए, मतलब व्यक्ति को धन कमाने के लिए इधर उधर भटकना ही पड़ेगा और कुटुंबजनों से दूर रहना ही पड़ता है। व्यक्ति अपने घर पे चाहे कितना भी प्रयास कर ले बड़ा कम रह पाता है, और फिर नेत्रों की परेशानी, हड्डियों की परेशानी, आत्मविश्वास का कभी कभी क्षय में चला जाना, ये होता है। और द्वितीय भाव का अधिपति ऋण में गया, ऋण से तो बिल्कुल साथ रहेगा ही, क्योंकि ऋण का अधिपति लग्न में और धन का अधिपति ऋण में। ये परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुध की राशि में शनि बैठे हैं, बुध की राशि में शनि और शनि की राशि में बुध। ये मकर राशि है, मकर लग्न जो होता है वो मूलतः चर प्रकृति की सौम्य स्वभाव पृष्ठोदय राशि है, सम संख्या की रात्रि बलि। मतलब ये होता है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मकर लग्न बन रहा हो तो पृष्ठोदय राशि का निर्माण हो रहा है लग्न में, अर्थात व्यक्ति का काम थोड़ा रुकेगा, प्रमोशन, नौकरी, नई नौकरी और कोई भी नया काम व्यक्ति अगर करना चाहेगा तो थोड़ा बहुत उसमें विलंब होगा ही होगा। हालांकि उसको सहयोग उत्तरायण के सूर्य देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी समस्या बनेगी, ये बातें बनती है। अब एक एक करके थोड़ी सी चर्चा आपको आपके प्रत्येक भावों पे कर लेता हूँ। लग्न का अधिपति शनि ऋण में बैठा, बुध के साथ परिवर्तन में, किसी भी ग्रह का कोई नक्षत्र परिवर्तन नहीं हुआ है। लग्नेश के साथ ऋणेश का परिवर्तन हो रहा है, व्यक्ति को ऋण में रहना पड़ सकता है, देने से बचे। अगर यहाँ पे मंगल उच्च के हो रहे हों तो व्यक्ति को धन कमाने के लिए, अपने जीवन के संपूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए जीवन में बाहर जाना ही पड़ता है। कारण उसका मैंने बताया कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति 12वें जा रहे हैं। इस कुंडली की सबसे प्रमुख 5 बातें बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक तो मंगल उच्च के, दूसरा शुक्र उच्च का, और तीसरा गुरु स्वराशि के। ये सबसे पहली और सबसे प्रमुख बात है। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में 6ठे भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति, ये दोनों भाव के अधिपति किसके साथ केंद्र में हैं? सुख के अधिपति के साथ। यानी कि केंद्र के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति, ये दोनों एक साथ लग्न में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां सुख और भाग्य का संयोग होता हो एक साथ, ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि व्यक्ति को अपने जन्मस्थान से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थितियाँ यहाँ से भी दिख रही हैं। गुरु यहाँ से तटस्थ होंगे, यहाँ के प्रभावों को वो कम देंगे, शनि यहाँ के प्रभावों को भी देंगे क्योंकि लग्नेश की वो दूसरी मूल त्रिकोण राशि होती है, सूर्य यहाँ पे हैं तो व्यक्ति को कटु वचन भाषी भी बनाते हैं। भद्र बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे एकदम बिल्कुल कोई मजबूत सिंह नाद कर रहा हो, गर्जना करके बोलता है, उसकी वाणी मजबूत होती है और बेहतरीन होती है, शुद्ध बोलता है। और दरअसल
वो मजबूत होता है और श्रेष्ठ भी होता है, मतिमान होता है, बुद्धिमान होगा, प्रत्येक प्रकार के जीवन के प्रकल्पों को भोगने वाला होता है। और दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो व्यक्ति ना करेगा? ये सूर्य यात्रा भी कराते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति होता है ना जी, अष्टमेश जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो जीवन में प्रत्येक चीज़ों का आरंभ होता है द्वितीय भाव, विवाह का आरंभ, शिक्षा का आरंभ, यात्रा का आरंभ और जीवन में विचारों का आरंभ। दरअसल यहाँ से विचार भी आते हैं, विचारों का भाव ये भी होता है, विचार यहाँ से आते हैं और इसकी इच्छा पूर्ति का भाव ये। यहाँ का अधिपति मंगल देखिए उच्च का है लग्न में, लाभेश लग्न में, भाग्येश लग्न में, और सूर्य जो कि अष्टम भाव का अधिपति है, अष्टम भाव को देख रहा है, ये धन देगा जबरदस्त और सर्वोत्तम श्रेष्ठता से धन देने वाला होगा। धन के लिए कभी भटकने की आवश्यकता नहीं, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा होंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि चंद्रमा भी 12वें और सूर्य भी द्वितीय स्थान में। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को कभी कभी ऐसी स्थिति में भी ले जा करके छोड़ देते हैं जहाँ वो कमज़ोर पड़ जाता है और सारी स्थितियाँ और घर के सारे लोग छोड़ करके निढाल हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक तरफ, ये स्थिति अच्छी बनती है, लग्न के अधिपति अकेले हैं, यहाँ किसी के साथ उन पर प्रभाव नहीं है, गुरु के साथ उनको केंद्र में जाना ये बेहतर होता है, व्यक्ति के सांसारिक सुखों का भोक्ता बनाएंगे, और गुरु से जब लग्नेश केंद्र में होते हों तो ये अच्छी बात होती है। क्लियर है? चंद्रमा की बात करूँगा, ये सप्तम भाव के अधिपति होकर के 12वें गए हैं, लेकिन वो गुरु से केंद्र में आ रहे हैं और साथ ही साथ लग्नेश की उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध होना, और ऊपर से ये चंद्रमा पापग्रह भी बन रहा था और मन तो वैसे भी 12वें जा रहा है तो भटक रहा है और छटक रहा है, उसको बांधना जरूरी है। अब क्या बांधेंगे, आप तो 1975 के हो गए, बांधिए। ये बात बनती है, शनि वैसे भी राहु के नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा वैसे भी मूल नक्षत्र का है, तो मैंने कही थी बात कि भटकाव देता है, भटकाव देता है, श्रेष्ठता से व्यक्ति जीवन के प्रत्येक सीढ़ी को चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी को चढ़ करके उसका सही से एनालाइजेशन भी करता है। लाभ है और मिलेगा और मिलता रहेगा, क्योंकि मंगल है, आपको थकने नहीं देगा, चाहे कितना भी आप प्रयास करें कि आराम कर लूं, ये बैठने नहीं देता है। दरअसल व्यक्ति जीवन के अंतिम सफर तक काम करना चाहता है, क्योंकि शुक्र भी उच्च के हैं ना और गुरु के साथ बैठे हैं, हमेशा जब भी व्यक्ति को आलस्य आएगा कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो व्यक्ति को आगे बढ़ा देता है, बुस्तप कर देता है, नहीं काम करो, काम करना ही होगा, क्योंकि ये पराक्रम भाव है श्रीमान। और दरअसल गुरु तो यहाँ से स्वतंत्र हो जाएंगे ना, क्योंकि वो दो राशियों के अधिपति होते हैं, यहाँ के स्वतंत्र हुए, यहाँ का फल करेंगे, और शुक्र तो वैसे भी आपकी कुंडली में दशम भाव का अधिपति है और पंचम भाव का अधिपति, ये तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हो जाते हैं। इन दोनों भावों का अधिपति अगर उच्च के हो तो ये ठीक होगा। अब गुरु की दृष्टि थोड़ी अकल्पनीय होगी, सोच के देखिए, यहाँ से पाँचवीं दृष्टि यहाँ कर्क राशि पर डालेंगे, उनकी उच्च की राशि बनती है, दाम्पत्य को अच्छा रखेंगे, वो हर बार कमजोरी को मजबूती में बदलेंगे और हर बार व्यक्ति झगड़ा करेगा और फिर मिलेगा, और दरअसल हर बार व्यक्ति की जीत ही होती है आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। और एक बात बताऊं तो इनकी कुंडली में गुरु, बुध और शुक्र और मंगल, ये कभी भी खराब फल करने वाले नहीं हैं। हाँ, थोड़ी सी वैसी स्थिति में बुध, शुक्र और चंद्रमा की जो स्थिति महादशा या अंतरदशा में कभी भी आएगी जीवन में, तो वो स्मूथ निकलेगी, मेहनत भी कराएगी लेकिन कम। बाकी के सारे ग्रह जो हैं वो D2 चार्ट में सूर्य के होरा में जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको मेहनत भी करना होगा और सफलता भी देंगे, लेकिन स्मूथ रिजल्ट चंद्रमा की दशा या चंद्रमा के होरा में बैठे ग्रह को देखने को मिलता है। ये बातें बनती हैं। मंगल की बात करूँ, मंगल आपकी कुंडली में बनते हैं जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि देखिए सुख में बैठी, ये तो बता चुका हूँ। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ ये व्यक्ति को जन्मस्थान से दूर रखती है, माता पिता के साथ संबंधों को कई बार कमजोर या माता पिता से दूरी बनाती है। हालांकि व्यक्ति माता पिता का भक्त होगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव भाग्य भाव पे है और ये पितरों का भाव होता है, अपने से श्रेष्ठ और बड़े और गुरुजनों का भाव होता है। वहाँ पे अगर गुरु जैसा ग्रह देख ले, शुक्र जैसा ग्रह देख ले तो बेहतर होता है, इसमें कहीं से भी संदेह नहीं है, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है और शुक्र पे पड़ रही है, अपने चरित्र को कमज़ोर होने से बचा लेना है। और गुरु ये इशारा कर रहे हैं कि बच्चा कभी भी मेरे ऊपर संदेह ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारे दाम्पत्य का रक्षक हूँ और डेली बेसिस के इनकम भाव को देख रहा हूँ, तो जैसे ही मुझ पर संदेह करोगे मैं तुम्हारे आय को सबसे पहले बंद करूंगा, और धर्म से तुम्हारा पद या धर्म से जो तुम्हारा पथ है उसको भ्रष्ट जैसे ही तुम अगर करोगे तो मैं तुम्हारे भाग्य का साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बैठा हूं शुक्र के साथ और गुरु तो वैसे भी चाहते हैं कि मैं शुक्र के साथ ना रहूं। हाँ, अगर वो केंद्र में रहेंगे, शुक्र और गुरु अगर केंद्र में रहें, चाहे वो यहां पे या वो एक दूसरे से, जैसे गुरु और चंद्रमा एक साथ केंद्र में है, चंद्रमा यहां गुरु यहां 1 2 3 4, तो इसी तरीके से अगर गुरु और शुक्र एक दूसरे से केंद्र में जाते हैं तो ये स्थिति अच्छी कही जाती है, लेकिन वो दोनों एक साथ हैं
और व्ययेश अगर जन्म कुंडली में पंचमेश के साथ बैठेगा तो व्यक्ति को आरंभिक शिक्षा में कभी कभी विलंब भी देता है, परेशानी देता है और मन मुताबिक कई बार शिक्षा नहीं मिल पाती है या कई बार मन मुताबिक व्यक्ति को एजुकेशन में समस्या बिना मन के भी आ जाती है, ये बात भी दिखती है। प्रेम यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर है, इसको थोड़ा फ्लरिश करिए, इसको और आगे बढ़ाइए, उसको वक्त दीजिए, समय दीजिए और दरअसल उससे मिलते रहने का काम बनता है। मंगल के बाद बुध यहाँ देख रहे हैं, ये ठीक है, यहाँ से आपकी स्थितियाँ बहुत मजबूत हो रही हैं, भाग्य का अधिपति है, वो अपनी दशाओं में अच्छा फल करेगा, ये बहुत सही बात है। गुरु पाँचवीं से यहाँ, सातवीं से यहाँ बताया, नवीं दृष्टि से गुरु और राहु का संबंध बनना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हमेशा ही अपने से बड़े, अपने बड़े भाई, अपने बुजुर्ग, अपने शन जितने भी लोग हैं जो आसपास के लोग हैं उन सबसे मिल करके इकट्ठा होकर के अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। धार्मिक कृत्य और कई बार व्यक्ति के जीवन में जब ऐसी स्थिति हो कि राहु और गुरु का संयोग होता हो तो हमेशा धर्म का आचरण करते रहना चाहिए, ये बात बनती है। शुक्र जन्म कुंडली में बनते हैं पंचम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति, पराक्रम में बैठे हैं, व्यक्ति को काम करने वाला ही बनाते हैं, कार्मिक बनाते हैं, क्योंकि मूलतः कर्म की राशि है और वो लग्न में बैठी है तो ये स्थिति बनती है। राहु केतु की बात पहले ही कर चुका हूँ, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करूँगा, कल इनकी कुंडली का नौमांस लेकर के आऊँगा और बाकी अन्य चार्टों की अगर आवश्यकता पड़ी तो जरूर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आज कार्यक्रम कुछ अलग तरीके से बनाया था और थोड़ा अजीब भी है तो ध्यान से देखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।